नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शॉपी एप्लीकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज कर सकते हो और गाइज इस एप्लीकेशन के अंदर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो कि शॉपी एप्लीकेशन को अपने फोन में कैसे यूज करें, शॉपी एप्लीकेशन से कैसे शॉपिंग करें, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाके आपको शॉपी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम शॉपी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और गाइस जैसे ही शॉपी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उसके बाद गाइस करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी शॉपी एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए गाइस अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले गाइस करना क्या होगा, नीचे की साइड में जो मी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो तो यहाँ पर एक साइनअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक लॉगिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गैस अगर आपने पहले कभी इसमें जो है साइनअप किया हुआ है तो यहाँ पर आप लॉगिंग पर क्लिक कर सकते हो। और गैस अगर आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करके यहाँ पर जो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर OTP वेरीफाई करके अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए गैस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट अपना क्रिएट करके रखा हुआ है। तो चलिए गैस यहाँ पर मैं लॉगिंग पर क्लिक करूँगा और गाइस जैसे ही लॉगिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो क्या करना होगा, मोबाइल नंबर डालना है और नीचे की साइड में पासवर्ड डालना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिंग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और गाइस जैसे ही लॉगिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अकाउंट रहेगा वो यहाँ पर लॉगिंग हो जाएगा। और गाइस अगर आप साइनअप करोगे तो भी इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर साइनअप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉगिंग हो जाएगा। अब गाइस इसके अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो किस तरह से इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे, तो गाइस सबसे पहले करना क्या होगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है तो यहाँ पर देखते हो होम पेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ से अगर अपना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और गाइस अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करके करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च करके भी अपने प्रोडक्ट को जो ऑर्डर यहाँ पर आप कर सकते हो। तो चलिए गाइस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपको एक ऑर्डर करके यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेंस वेयर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज भी बहुत सारी देखने को मिलेगी, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मेंस एंड मेंस वेयर पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी मेंस वेयर की कैटेगरी थी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब गाइस इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखते हो सबसे पहले तो यहाँ पर मेंस की कैटेगरी आ चुकी है। अब इसके अंदर जो इसकी कैटेगरी है, मतलब यहाँ पर जो जींस की कैटेगरी अलग होगी, पैंट की कैटेगरी अलग होगी और उसके बाद जैकेट की कैटेगरी अलग है, शर्ट्स की कैटेगरी अलग है। तो अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। इसके नीचे की साइड में देखेंगे तो जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक टी शर्ट आपको ऑर्डर करके बता देता हूँ। तो ये वाला जो टी शर्ट है इसे मैं ऑर्डर करके बताता हूँ। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको जो करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो बाय नाउ वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही गाइस यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे क्या क्या कलर है वो आपको सामने आ जाएंगे। उसके बाद इसमें से जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। चलिए गाइस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर साइज़ के बारे में बता रहा है आपको कौन सी साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। चलिए गाइस यहाँ पर मैं एल साइज सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नीचे की साइड में क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अगर क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, प्लस पे क्लिक करके आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। तो चले गए यहाँ पर हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और गए जैसे बाय नाउ पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज मैंने अपने अकाउंट के अंदर ऑलरेडी जो है एड्रेस फिल करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है डिलीवरी एड्रेस ऑलरेडी बता रहा ऐड है। अगर आपके अंदर न्यू अकाउंट आपने क्रिएट किया और अगर आपका एड्रेस ऐड नहीं है तो यहाँ पर आपको ऐड एड्रेस वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेकआउट के अंदर और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस ऐड करना होगा। एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पर ये नीचे की साइड में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, क्या प्रोडक्ट है, कितने प्राइस का प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड अगर आपको चेक करना है तो वो किस तरह से करेंगे, तो देखते हो नीचे की साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट ऑप्शन। तो देखते हो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि किस तरह से आप जो पेमेंट करना चाहते हो। तो चले गए यहाँ पर हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने फिलहाल जो कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई UPI से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से करना है तो वो भी यहाँ पर आप
कर सकते हो। तो चलिए गाइज़, फिलहाल मैं यहाँ पर जो कैश ऑन डिलीवरी ही रहने देता हूँ, तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और गाइज़ कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो प्लेस ऑर्डर पर हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखते हो हमारा जो ऑर्डर है वो टू शिप के अंदर यहाँ पर आ चुका है और हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। अब गाइज़ यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप सेलर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर अपना ऑर्डर देखना चाहते हो तो वो यहाँ पर टू शिप के ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो अपना ऑर्डर यहाँ पर देख भी सकते हो। तो देखते हो हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, कब मिलने वाला है वो भी यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए गाइज, इस तरह से आप जो है शॉपी एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, शॉपी एप्लीकेशन के कोई अंदर जो ऑर्डर करना चाहते हो तो इस तरह से ऑर्डर कर सकते हो, और यहाँ पर अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो कि आपने कोई ऑर्डर कर लिया उसके बाद उस ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कैंसिल करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर जो आपके टू शिप का ऑप्शन है देख सकते हो, यहाँ पर टू शिप लिखा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑर्डर आपका पेंडिंग रहेगा वो यहाँ पर टू शिप के अंदर आपको दिखाई देगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर ऑर्डर को कैंसिल करना है तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे नीचे के साइड में देखते हो यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक रीज़न देना होगा कि क्यों आप जो इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं नीड टू चेंज डिलीवरी एड्रेस एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखते हो हमारा ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल के अंदर आ चुका है, मतलब गाइस यहाँ पर टू शिप्स है यहाँ पर जो ये रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आप जो शॉपी एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऑर्डर अगर कोई कैंसिल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, डिलीवरी एड्रेस ट्रैक करना, मतलब पूरी डिटेल ए टू जेड मैंने यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बता दी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।